अपनी आंखों के सामने आप इस बस को देख रहे हैं साथियों, किस तरह से आग बबूला हुई है। यात्रियों से भरी हुई बस लोगों की भारी भीड़ सड़क पर जमा हो गई। अपनी स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं साथियों, किस तरह से धू-धू कर ये पूरी बस जली है। आसमान में भी धुआं काला हो गया। जी हां, चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। राजस्थान में गुरुवार को दो अलग अलग भीषण सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। शाम करीब 4:30 बजे जोधपुर से टैंकर और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। पलभर में बाद में ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। टैंकर ट्रक के ड्राइवर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि उधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में दोपहर 2:30 बजे बस बाइक टकरा गई। बाइक सवार दो लोगों को भाई ये बता दे कि बस पहिए में फंस गए, जिनकी काफी दूर तक घसीट देर बाद में बस में आग लग गई। जोधपुर के देचुष्टी क्षेत्र इलाके में बावाकास चौराहे पर पेट्रोल से भरे टैंकर और सोनामुखी सूखी पत्तियों में भरे एक ट्रक में भीषण टक्कर हुई है, जिसमें दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवरों को निकालने का मौका ही नहीं मिला। देखते देखते दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गई। जोधपुर में पेट्रोल लेकर जैसलमेर के लिए टैंकर निकला था। फलोदी के सोनामुखी की पत्तियां लेकर जोधपुर की तरफ ट्रक जा रहा था। रास्ते में दोनों की टक्कर हुई और देचू गांव थाना एसएचआई पुक्सिंग राजपुरोहित का कहना है कि सोनामुखी से भरे ट्रक को ड्राइवर जला हुआ शव शाम 6 बजे निकाल ले गया। बेहद दर्दनाक खबर। शेयर लाइक करें। थैंक यू।